हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में जेफिट बायस्ड एम्पलीफायर का वोल्टेज डिवाइडर बायस्ड सर्किट पढ़ेंगे। दैट इज जेफिट कैन बी बायस्ड बाय यूजिंग दिस सर्किट। दिस इज द वोल्टेज डिवाइडर एन चैनल सर्किट वोल्टेज डिवाइडर। ओके, एन चैनल सर्किट जिसमें हम लोग आर वन और आर टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अलग से यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, आर एस सोर्स रेसिस्टेंस, आर डी ड्रेन रेसिस्टेंस प्लस वी डी डी वन बैटरी है ड्रेन से कनेक्टेड। ओके, नाउ डीसी एनालिसिस करने के लिए हम लोग क्या किए, कैपेसिटर्स क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। क्यों? क्योंकि एक्सी इक्वल टू 1/2πfc, तो f जीरो, तो xc क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इन दैट केस दे आर ओपन सर्किटेड, ओपन सर्किट होने के कारण इन दोनों को जीरो कर दिया। ओके, नाउ सर्किट बिकम्स लाइक दैट। नाउ हम लोग एक एक करके ऑपरेशन कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहले क्या किए, इसको उठाए, दिस वन। ओके, आर एस रेसिस्टेंस, ऑफकोर्स सीधा से कोई करंट नहीं जा रहा है, इन दैट केस आई डी फ्लोज थ्रू दिस। ओके, नाउ वी एस माइनस जीरो इक्वल टू आई डी इंटू आर एस। ओके, नाउ ये देखो, ये प्लस वी डी जी जो है ये यहां से इससे कनेक्टेड है, दिस वन इससे भी कनेक्टेड है। तो हम लोग इस पार्ट को उठा रहे हैं, इस पार्ट को उठा रहे हैं, दिस वन। ओके, आर वन आर टू वी डी डी और ये पॉइंट जी, दैट इज वी जी। तो हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम लोग निकाल सकते हैं रेसिस्टेंस। ओके, तो वी जी और ये तो हमारा ग्राउंडेड है, तो वी जी माइनस जीरो इक्वल टू आर टू डिवाइडेड बाई टोटल रेसिस्टेंस इंटू वी डी डी। देन हमारा वी जी एस क्या हो गया, वी जी माइनस वी एस, वी जी ये है और वी एस ये है, इसको पुट अप कर दिए, देन वीजीएस ये हो गया। नाउ ये आर वन और आर टू का सिलेक्शन इस तरह से होना चाहिए सो दैट वीजीएस जो हमेशा लाई करे वो जीरो और वीपी के बीच भी लाई करे, दैट इज द कंडीशन फॉर द सिचुएशन रीजन। ओके, तो आर वन आर टू शुड बी सिलेक्टेड सच दैट जीरो वीजीएस लाइज बिटवीन जीरो एंड पिंच ऑफ वोल्टेज वीपी। अब ये हम लोग ऑर्डर सर्किट लिए, दिस वन। ओके, ये सर्किट लिए, यहां बनाए, हम लोग इसमें जो है केवीएल लगाए, माइनस वीडीडी प्लस आईडीआरडी प्लस वीडीएस प्लस आईडीआरएस। तो वीडीएस यहां निकाले, जिस तरह से हम लोग जो है सोर्स सेल्फ बायस्ड सर्किट में देखे सेम इक्वेशन है। एक्चुअली एडवांटेज ड्रॉबैक जो भी सेल्फ बायस्ड का है वही वोल्टेज डिवाइडर का भी है। आप बीजेटी में देखिएगा दोनों सेम सर्किट है, बट इन द जेफिट बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे ये इक्वेशन निकला। अब आर डी को इस तरह से हम लोग सिलेक्ट करेंगे सच दैट वीडीएस जो वैल्यू होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वीपी माइनस वीजीएस। ओके, यहाँ भी ड्रॉबैक सेम ड्रॉबैक है, आर एस के होने के कारण जो है जो आपका वोल्टेज बढ़ रहा है उसमें ड्रॉप हो जाएगा। ओके, अब चूंकि इसमें एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस यूटिलाइज कर रहे हैं, हिंस दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड। Now again, the most common method for defect biasing, that is the source self-biased circuit. I hope, okay, आपका जो है जो almost method है defect biasing का, first bias, source self-bias and voltage divider bias circuit clear होता है। तो next video lecture में next topic के बारे में study करेंगे। Thank you.